हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आए आप सब बढ़िया ही होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं आमेर में, और आमेर में अभी हम पहुंच गए हैं आमेर महल के पास में स्थित माउंटा सागर झील पर। ये माउंटा सागर सरोवर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आमेर के नीचे जो माउंटा सागर झील था उसमें पानी कम था पहले, पिछली बार आया था तब मैं, लेकिन अब पानी खूब भरा हुआ है बारिश के कारण। सामने आमेर महल, तो अभी हम आमेर में ही खड़े हुए हैं। और दोस्तों, अभी हम एक ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं आमेर में जो बहुत ही सुंदर और भव्य है। हम जा रहे हैं आज जगत शिरोमणि मंदिर। दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण महाराजा मान सिंह की पत्नी कनकवती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था, जो बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। दोस्तों, आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि उस मंदिर में मीराबाई और भगवान कृष्ण की एक साथ प्रतिमा है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। तो अभी हम चलेंगे मंदिर की तरफ। ये दोस्तों ऊपर आमेर का किला है। ये एक जयपुर का एकमात्र ऐसा किला है जहाँ पर भीड़ रहती है। फॉरेनर ज़्यादा, लेकिन सर्दियों में आते हैं, लेकिन वैसे भीड़ तो रहती है बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो, ये सब घूमने वाले हैं यहाँ टूरिस्ट, यहाँ बाहर के टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। अभी हम जगत शिरोमणि मंदिर के पास में स्थित पन्ना मीणा कुंड पर आ पहुँचे हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा कुंड है, इसमें पानी भरा रहता है एनी टाइम पे। और पास में ये बांके बिहारी जी का मंदिर अभी आपको दिखाएंगे। ये देखो दोस्तों, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाई थी अरसद माता का मंदिर और आबानेर की चांद बावड़ी, वैसी उसी प्रकार से बनी हुई ये बावड़ी है। इसके अंदर काफ़ी पानी भरा हुआ है। इस पानी भरने का कारण ये है कि इसके पीछे जो आमेर में सागर बना हुआ है उसमें से ये अंदर से पानी आता है। एक बावड़ी बनी हुई है जिसका नाम है पन्ना मीणा की बावड़ी। ये देख सकते हो आप, इसके अंदर काफ़ी फिल्म की शूटिंग हुई है। और पास में स्थित जस्ट इसके सामने है बांके बिहारी जी का मंदिर, ये भी बहुत प्यारा मंदिर है। ये देखो, ये बांके बिहारी जी का मंदिर है। ऐसे आमेर में काफ़ी मंदिर बने हुए हैं। इधर अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है, और जो हम मुख्य मंदिर आपको बता देते हैं ताड़केश्वर महादेव मंदिर, ये सामने है। और जो भी हम जाएंगे जगत शिरोमणि मंदिर, उससे पहले क्या है रास्ते में पड़ता है, तो ये भी आपको दिखा देता हूँ। कैसा लग रहा है सचिन? बढ़िया, मज़ा आ गया। ये मेरा भतीजा है दोस्तों, जयपुर में ही रहता है और यहाँ पढ़ाई करता है, तो आज मेरे साथ में ये भी घूमने आया है। इसको भी दिखा दिया, सोचा मैंने कि ये भी घूम लेगा साथ में, दोनों ही काम हो जाएंगे। इसके अंदर देखो मछली खूब है और सांप भी है इसके अंदर, और कछुआ भी है। कछुआ भी है ना? हाँ। सांप देखा था ना अभी उधर? हाँ, बहुत मोटा है, भारी भी है। और देखो कछुआ तैर रहा है। हाँ, वो सामने कछुआ तैर रहा है, इसमें तो दिखाई नहीं देगा शायद। जूम करके दिखा देता हूँ, दिख रहा नहीं है सचिन यहाँ। हाँ। दोस्तों, आपको ये बुलबुले से उठते दिख रहे हैं ना, यहाँ पर एक कछुआ था अभी नीचे बैठ गया है। नहीं बैठा, वो गया। किधर गया? दोस्तों, अभी हम जो जगत शिरोमणि मंदिर आ पहुंचे हैं, तो आपको बता देता हूं कि जगत शिरोमणि मंदिर आमेर वाले रोड पे पड़ता है, जो कि आमेर किले के दूसरे वाले गेट पे वाहन चढ़ाई करते हैं, उसके रास्ते में बीच में पड़ता है जगत शिरोमणि मंदिर। तो अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे, बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। वो लोकेशन बता देता हूँ, ये है प्राचीन लक्ष्मी नारायण जी बालाबाई का मंदिर, और इसके पास में ही है ये जगत शिरोमणि मंदिर। तो हम यहाँ से जाएंगे, सामने गेट है मंदिर का, और यहाँ से आमेर वाला रास्ता जाता है जिसमें देखो किले के अंदर वाहन जाते हैं ना, इधर से जाते हैं। तो अब हम मंदिर के अंदर चलेंगे। देखो दोस्तों, ये स्मारक के बारे में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, ऐसे स्मारकों का संरक्षण करना चाहिए। और ये हम मंदिर में आ गए हैं दोस्तों। ये जगत शिरोमणि मंदिर आमेर के जयपुर में स्थित है, और ये बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर है। देखने की बात यह है कि दोस्तों, इसका जो ये सामने दिख रहा है, ये इसका तोरण द्वार है, जो एक बहुत ही सुंदर दिखता है।
और ऐसे कहा जाता है कि इस तोरण द्वार को एक ही पत्थर से बनाया गया है और इसके ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृति बनाई गई है जो इस पत्थर पे उकेरी गई है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा पत्थर एक किसी बड़ी शिला का लिया गया है जिसको काट कर ये पूरा तोरण द्वार बनाया गया है जिसमें कोई भी टुकड़े का यूज नहीं किया गया है। और देखो कितनी सुंदर सुंदर डिजाइने उकेरी गई है पत्थर के ऊपर ही। दोस्तों हम तोरण द्वार से ऊपर आते हैं तो एक सामने दिख रहा है जो ये जगत शिरोमणि मंदिर है जो एक 3 मंजिला मंदिर है। इसका निर्माण रानी कनकवती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये भी इसके ऊपर बहुत सारी डिजाइने उकेरी गई है और ये देखो लाल पत्थर का बना हुआ मंदिर है, इसमें मार्बल का भी यूज किया हुआ है। ये दोस्तों मंदिर के मुख्य गेट के सामने बना हुआ गरुड़ मंडप है जिसके अंदर भगवान विष्णु का वाहक गरुड़ जी की मूर्ति भी लगी हुई है। और खास बात यह है कि दोस्तों इसके मंडप के ऊपर इतनी बारीकी से सुंदर डिजाइनिंग की गई है जो उस समय के आर्किटेक्चर द्वारा की गई थी। ये भी पूरा सफ़ेद मार्बल का बना हुआ है और बीच बीच में इसमें कई कई लाल पत्थरों का भी यूज किया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का और ये जस्ट भगवान राधा कृष्ण और मीरा जी के सामने बना हुआ मंदिर है। ये मंडप बहुत ही अच्छा लगता है और सभी लोग इसको देखने के लिए आते हैं और ये आमेर के बिल्कुल मध्य में बसा हुआ है मंदिर है। यहाँ का मुख्य आकर्षण देखा जाए तो आर्किटेक्चर द्वारा बनाई गई बारीक कलाकृतियाँ है और इसी कारण इस मंदिर में भीड़ लगी रहती है। दोस्तों ये मंदिर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ से आमेर का बहुत ही अच्छा दृश्य दिखता है और इस आमेर गांव के चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इस आमेर गांव में बहुत सारे मंदिर है लेकिन जो ये 3 मंजिला मंदिर है ये बहुत ऊंचाई पर होने के कारण बहुत ही अच्छा दिखता है और यहाँ पर लोगों का तांता लगा ही रहता है। ये देखो सामने जो गरुड़ मंदिर है ये भी बहुत ही लुक देता है और बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ पर आकर बहुत ही शांति मिलती है। और ये देखो दोस्तों यहाँ आमेर का किला भी इसके जस्ट पीछे ही है जो बहुत ही अच्छा दिखता है। दोस्तों ये मंदिर का गर्भगृह है जिसके अंदर भगवान कृष्ण और मीरा जी की प्रतिमा लगी हुई है जिसका ये गुम्बद है, ये काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ गुम्बद है। आमेर में बहुत सारे मंदिर हैं जिनके इसी प्रकार के गुम्बद बने हुए हैं, जो ये गुम्बद दक्षिण भारत में मंदिरों में होते हैं उस प्रकार के गुम्बद बने हुए हैं जिनके ऊपर बहुत छोटी छोटी देवी देवताओं की प्रतिमाएँ उकेरी गई है। ये पूरे मार्बल के बने हुए हैं और गुम्बद और मंदिर में किसी भी प्रकार के चूने का यूज नहीं किया गया है, ये केवल पत्थर का बना हुआ गुम्बद है इसलिए इसका आकर्षण और भी ज्यादा बढ़ जाता है। भव्य और सुंदर मंदिर है आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर। दोस्तों ये मंदिर के सामने संगमरमर से बना हुआ गरुड़ मंडप है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, आप देख सकते हो ये भी बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। ये सफ़ेद मार्बल का बना हुआ पूरा लेकिन काफ़ी लंबे समय के कारण ये थोड़ा पीला पड़ गया है। ये 200 से 300 साल वर्ष पुराना मंदिर है जो आप देख सकते हो और जो मीराबाई और भगवान कृष्ण का मंदिर है वो पूरा लाल पत्थर का बना हुआ है। इसमें ये एकमात्र मंदिर है जिसमें भगवान कृष्ण के साथ मीराबाई की पूजा होती है। ये लगभग 400 साल पुराना मंदिर है। दोस्तों ये जो मार्बल की डिजाइनें बनी हुई है जो आपको बताया था मैंने महामेरु शैली में बनी हुई है पूरी, ये देखो हाथी हिंदू धर्म की ये संस्कृति और ये देखो ऊपर भी डिजाइनें बनी हुई है पूरे मंदिर पर बहुत ही सुंदर सुंदर। तो अभी ये मंदिर बंद है और अब 3 बजे खुलने वाला है, सामने द्वार बंद हो चुका है और ये देखो इसके आगे का दृश्य है ये मंदिर। और ये पास में आमेर की पहाड़ियां।
दोस्तों हम लगभग 2 बजे पहुंच गए थे और मंदिर बंद था, तो अब 3 बजे हैं, अब मंदिर खुला है। तो अंदर से आप देख सकते हो मंदिर कुछ इस प्रकार से है। ये ऊपर जाल लगाया हुआ है क्योंकि कबूतर यहाँ पर बैठते हैं तो थोड़ा गंदगी कर देते हैं। और ये भगवान कृष्ण और राधा का मंदिर है। जो मंदिर है भगवान कृष्ण और राधा जी का मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये अंदर से भी पूरी डिजाइन उकेरी गई है इसके अंदर, और आपको इसमें मूर्तियां लगी हुई दिखाई दे रही है। तो जो पीछे की साइड में मूर्तियां लगी हुई है भगवान कृष्ण और राधा की, जो रानी कनकौती द्वारा लगवाई गई थी, और जो आगे की साइड मूर्तियां लगी हुई है भगवान कृष्ण के साथ में मीराबाई की, ये चित्तौड़गढ़ से लाई हुई मूर्तियां हैं जो यहाँ के राजा सवाई मानसिंह द्वारा लाकर स्थापित की गई थी। और ये कृष्ण भगवान का वही विग्रह है जिसकी पूजा साक्षात मीराबाई ने की थी, इसीलिए इस मंदिर को मीराबाई मंदिर भी बोलते हैं। ये आमेर का सबसे फेमस मंदिर है और आकर्षक मंदिर है, इसलिए इसमें भगवान कृष्ण के साथ में मीराबाई की भी पूजा होती है। और ये जो पालकी दिखाई दे रही है आपको दोस्तों, ये पालकी मीराबाई पालकी है।